ऐसे केसेस आर वेरी क्या बोलते हैं, दे आर वेरी लाइक अ ऑटोलॉजिकल इमरजेंसी. जैसे ये इमरजेंसी है, दे आर परप्लेक्सिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ऑटोलॉजी. उसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया में 15,000 केसेस रिपोर्ट किए हुए हैं ओवर द ईयर. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, 50 to 60 ईयर्स के बीच में जो गैप होता है वो अराउंड उस टाइम पे ये केसेस होते हैं. समटाइम्स 50 साल के ऊपर भी, 40 साल में, 30 साल में भी ये केसेस जाने जाते हैं. ये केसेस को बोलते हैं इडियोपैथिक केसेस बोलते हैं. और इडियोपैथिक का मतलब ये है कि उसका सडन ऑनसेट होता है, हमें पता नहीं होता कि वो क्यों हो रहे हैं. सडन ऑनसेट, जैसे इन्फेक्शन हो गया कान में इन्फेक्शन हो गया, वो ब्रेन में हो गया, जैसे मेनिनजाइटिस, मम्स, एंसेफेलाइटिस, वेरिसेला, वैसे इन्फेक्शन. या कभी कभी ब्रेन में हेमरेज होता है, स्ट्रोक पेशेंट्स को भी ऐसे कभी हो जाता है. इट इज़ वेरी सडन, हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, वी के नॉट एंटिसिपेट कि ये अभी होने वाला है. और इसलिए ऑटोलॉजी इमरजेंसी इसका नाम दिया गया है. सो कभी कभी जैसे ज़्यादा नॉइस एक्सपोजर से, या हियरिंग डिवाइस जो यूज़ करते हैं, हेडफोन्स या एयरपॉड्स जो ज़्यादा यंग जनरेशन यूज़ करती है, उसमें भी ये ज़्यादातर पाए गए हैं केसेस. सो क्या होता है उसमें कि जो कॉक्लिया होता है, जो बॉडी का बैलेंसिंग मेंटेन करता है, बॉडी का हियरिंग, कान का हियरिंग मेंटेन करता है, उसमें हेयर सेल्स में इंजुरी हो जाती है. एंड समटाइम्स जो नर्व्स होती है, कॉक्लियर नर्व्स, उसमें भी इंजुरी हो जाती है. तो वो इंजुरी वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ. कभी कभी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद भी समटाइम्स ये सडन हियरिंग लॉस होता है, बैरोट्रॉमा. दूसरा कभी ऑटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे कोई ड्रग्स लेते हैं विच एज इन मेडिकल प्रिस्क्राइब ड्रग्स, कभी कभी साइड इफेक्ट होती है, उसमें लिखा होता है ऑटोटॉक्सिसिटी विच अफेक्ट्स योर ईयर इमीडिएटली. सो ये सब केसेस में क्या होता है, देखने में पेशेंट लुक्स वेरी नॉर्मल, सडनली पेशेंट उठता है एंड ही इज़ लाइक मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या उसके कान से पॉप करके साउंड आती है और पूरी साउंड बंद हो जाती है. सो इस केसेस में हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है पेशेंट को. पहले एग्जामिन करके पेशेंट का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा होता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, देखने में नॉर्मल लगेगा. सो समटाइम्स वी डू इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री. इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री और एक टेस्ट है जिसमें एक टाइप टिम्पेनोग्राम आता है. फिर छोटे बच्चों में अगर ऐसा होता है तो हम बेरा या ओएई कर सकते हैं. कभी कभी ना कान में ट्यूमर होता है, वो हमें नहीं पता चलता, बट बिकॉज ऑफ दैट ट्यूमर ऑल्सो तो कान की नसें दब जाती है और उसकी वजह से भी ये सुनाई एकदम बंद हो जाता है वो ट्यूमर. हाँ जी, किस एज में ये ज़्यादातर? ज़्यादातर 50 to 60 ईयर्स में ऐसा होता है. एंड 40 years, 30 years में आजकल पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. कितने केस जो हैं पंजाब में, जैसे जहाँ लुधियाना की बात करें, कितने केस जो आ रहे हैं वीकली? डेली मेरे पास एटलीस्ट, ही मेरी ओपीडी है अराउंड 30, और उसमें 10 पेशेंट आते हैं. वो क्या कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम हमें सुनाई नहीं दे रहा है, और साथ में ऐसे उसको बोलते हैं टिनिटस, वो वाली आवाज़ आती है कान से. जैसे आपने बताया कि उनको सुनाई नहीं देता, क्या अचानक ही, जैसे आपने बोला एक्सीडेंट, क्या अचानक भी हो जाता है? जैसे अचानक भी हो जाता है, अचानक, मैंने जैसे पहले आपको बताया इन्फेक्शन, कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किसी को स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक के साथ साथ किसी को थायराइड प्रॉब्लम है उसके साथ साथ भी ये हो सकता है. सो देयर आर लाइफ स्टाइल. सो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, और बच्चों को हेडफोन्स यूज़ करके नॉन स्टॉप लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम जो सिस्टम चला हुआ है आफ्टर कोरोना, उसमें भी जो हेडफोन्स यूज़ करते हैं, आई हैव सो मेनी यंग पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं एंड दे हैविंग दैट टिनिटस प्रॉब्लम, फुलनेस ऑफ ईयर, कान में सुनाई कम होना, ये सब उनको प्रॉब्लम हो रही है. इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि यू अवॉइड, आप अवॉइड करो कोई लाउड डीजे चल रहा है, लाउड नॉइज में जाना, हेडफोन्स यूज़ ना करो. अगर करना है 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, फिर रख दो, कभी एक कान में लगा लो, कभी दूसरे कान में. मैंने देखा है कि आज की जनरेशन कान में लगा के घूमती है छोटे छोटे एयरपॉड्स. तो इसके लिए जब भी ऐसे कोई आता है, फर्स्ट मैं ऑडियोग्राम करती हूँ. ऑडियोग्राम में क्या होता है, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और डेसिबल होती है, 10 to 15 इज़ अ नॉर्मल डेसिबल जो हमारी सबकी होती है. बट वो जो पेशेंट की होती है, कॉन्सिक्यूटिव 3 फ्रीक्वेंसी में वो 30 to 40 डेसिबल आ जाता है. दैट मीन्स वो ग्राफ पूरा नीचे चला जाता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਯੈਸ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਫੋਨ. ਓਲਡ ਮੇ ਓਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਤੇ ਹੈ,
वी हैव टू फाइंड आउट, हमें मुझे जांच करनी पड़ेगी कि उसको इन्फेक्शन हुआ है या आगे कोई स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या ऐसी कोई इमरजेंसी कोई तकलीफ हुई है कि नहीं, उसको थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उसके लिए यस। सो इट इज कॉल्ड एज ऑटोलॉजिकल इमरजेंसी, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, तो विद इन वन वीक या विद इन 24 आवर्स वो पेशेंट आ गया मेरे पास, आई विल ट्रीट हिम, अराउंड 80% वो ठीक हो जाएगा। क्या करते हैं कि जो नए नए ताज़े ताज़े नर्व फाइबर्स जो डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शन और सम इडियोपैथिक कॉज, वो वायरल इन्फेक्शन वायरल वो जो डैमेज हुए जो फाइबर्स है उसको हम रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश इसलिए करते हैं कि हम पहले ना स्टीरॉयड देते हैं, स्टीरॉयड 60 mg पर बॉडी वेट देते हैं, उसको टेपर करते हैं पेशेंट को। स्टीरॉयड देने के बाद विटामिन ए, B12, डी, ई, ये सब चालू करते हैं। कभी कभी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन से क्या होता है कि जो कॉक्लिया का ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है एंड सुनाई पेशेंट को वापस आ सकती है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करोगे उतना जल्दी पेशेंट को ठीक रहेगा। मतलब लगता है कि जैसे लगातार एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी ये मतलब जो लगातार बीमारी जो बढ़ रही है। एयर पोल्यूशन तो नहीं बोल सकते बट यस नॉइज़ पोल्यूशन, जो नॉइज़ पोल्यूशन है जो समटाइम्स ना कभी कभी लोग को इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको लगातार एक आवाज़ साउंड आती रहती है, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ओवर द पीरियड ऑफ 10 years अगर वो एक ही जगह पे वही फैक्ट्री में काम करता रहेगा उसको भी ये हो सकता है। सो आजकल जो पेशेंट आते हैं उसको मैं कार्बोजन थेरेपी भी देती हूँ। कार्बोजन थेरेपी का मतलब है 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू कॉक्लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टीरॉइड से या विटामिन से भी ठीक नहीं हुआ विद इन फ्यू डेज, देन वट आई डू इज आई गिव इंट्रा टिम्पेनिक इंजेक्शन। मैं क्या करती हूँ, कान के पर्दे के अंदर एक इंजेक्शन लगाती हूँ। वो इंजेक्शन से वो एक डेक्सा इंजेक्शन होता है, स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। वो इंजेक्शन से जो कान की जो नसें होती है वो स्टिम्युलेट हो जाती है। स्टिम्युलेट होके वो जो इयरिंग लॉस हुआ है इट कैन रिवर्स, 80-70% रिवर्स हो जाता है। महंगा बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट इट विल कॉस्ट यू ओनली 2,000-3,000 rupees। मैं OT में लेके जाती हूँ पेशेंट को, कान में इंजेक्शन देती हूँ एंड जो सडन हियरिंग लॉस होता है जितना हम जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी पेशेंट को फ़ायदा होगा। फ़ायदा विद इन 2 weeks में तुरंत पता चल जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, दिन में मैं दो इंजेक्शन लगाती हूँ पेशेंट्स के एंड दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा,